अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का थर्ड लेक्चर करेंगे। ये लेक्चर आपने कॉपी पे भी लिखना है, इसे याद भी करना है। नेक्स्ट आपको स्कूल वाले बताएंगे और इसका इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगला जो हमारे पास सवाल था वो है क्वेश्चन नंबर 10। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, गिव एग्जाम्पल एंड राइट इट्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी की। The energy possessed by a body due to its position is called potential energy. इसकी अब example करेंगे। Stored water possessed potential energy. Number second, energy stored in a raised hammer. Formula इसका potential energy जो होता है ये weight multiply height के equal होता है, और weight जो होता है mg के बराबर होते हैं, और height को वैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पे पानी को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे उसकी जो एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे टैंकी में पानी स्टोर किया गया, इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट है आप हथौड़ा उठाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वेट मल्टीप्लाई हाइट है, और ये बराबर होते हैं एम जी एच के इक्वल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गिव एग्जांपल्स। तो इसकी पहले हेडिंग लिखेंगे, तारीफ करेंगे अब इसकी। द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच पोजिशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एग्जाम्पल्स, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड बोर्ड। नंबर टू, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी जिस्म की खिंचाव की वजह से जो एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पे तनी हुई तीन कमान के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह खींचे हुए स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आल्सो गिव एग्जाम्पल्स। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन के लिए हेडिंग देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब तारीफ करेंगे इसकी। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल इसकी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ वाटर स्टोर एट अ हाइट। नंबर टू, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रेज्ड हैमर। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी जिस्म की हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसकी एग्जांपल करेंगे हम। मिसाल के तौर पर आपने किसी बुलंदी पर पानी को स्टोर किया हुआ जिस तरह के टैंकी में, इसी तरह आपने हथौड़ा उठाया हुआ है तो ये भी किसी हाइट के होता है, तो इसकी जो एनर्जी होती है ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है डिराइव फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने जो है ना फार्मूला डिराइव करना है। हमने क्यूबिक बॉक्स कंसिडर करने अर्जेंट सरफेस पे, इसका मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो कि वी के इक्वल है, उसके साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ देर गुजरने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट एस कवर करेगा और ये रुक जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये ज़ीरो होगी। ये बॉडी रुकेगी इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अब इस क्यूबिक बॉक्स की मोशन को अपोज कर रही होती है। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन जो है ये माइनस एफ ओ आर एम है। ये माइनस साइन इस वजह से क्योंकि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इस बॉडी की मोशन को अपोज कर रही है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सिमिलरली टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो टू वैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस एफ ओ आर एम है, इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है इसको वैसे ही लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो है यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इन बोथ साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बनेगा माइनस टू एफ एस ओवर एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। बोथ साइड को जब माइनस एम बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, एफ एस मल्टीप्लाई हाफ एम स्क्वायर। एफ यहाँ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। तो एफ एस जो होता है इक्वेशन वन को अगर आप देखें, ये हमें पहले हम सॉरी पढ़ चुके हैं, एफ एस जो होता है ये वर्क के इक्वल होता है, इसके इक्वल होते हैं वर्क के, और वर्क जो होते हैं इक्वेशन वन से अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होते हैं।